नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज मेरे साथ फूलपुर से चुने गए नवनियुक्त सांसद प्रवीण पटेल जी हैं। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं, हम कई बार प्रवीण पटेल जी का इंटरव्यू ले चुके हैं। इस समय हम फिर उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और आपसे मिलवाते हैं नवनियुक्त सांसद, नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण पटेल से। सांसद जी, एक बार फिर आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एमटी टॉक शो की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताइए, आपने सोचा था क्या कि इतना कड़ा मुकाबला हो जाए? देखिए, कुछ एहसास तो था हाँ। लेकिन इतना कड़ा होगा ऐसा भी नहीं लग रहा था। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग 50,000 से 1,00,000 के बीच में मार्जिन ला पाएंगे। आप 3 विधानसभा पिछड़ गए, क्या वजह मानते हैं? देखिए, हमने इस बात को पहले भी कहा है कि खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जो दुष्प्रचार किया। किस टाइप का दुष्प्रचार? दुष्प्रचार उनका विशेष रूप से था कि भाई मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये तो भाजपा के नेता ही बोलते थे ना। लल्लू सिंह भाई, देखिए अरुण गोविल भाई, आप इस बात को समझिए कि कोई भी पार्टी होती है तो उस पार्टी के कुछ अधिकृत प्रवक्ता होते हैं, पार्टी का एक वो होता है। अब वैसे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब हम अगर कोई बात कह रहे हैं एक एमएलए होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी हर बात वो पार्टी की बात नहीं हो तो पार्टी को खंडन करना चाहिए। बहरहाल किया, पार्टी ने खंडन किया, ऐसा नहीं है पार्टी ने खंडन किया। बहुमत तो 2072 मिल जाती है और अच्छा बहुमत 300 में मिलता है, फिर 400 क्यों? इसलिए देखिए, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम ही लोग परीक्षा देते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर हमारा 80% आएगा तो अगली बार हम इस बात को तो नहीं कहेंगे भाई अब हमको 70% आना है। हम अगली बार कहेंगे भाई हमारा प्रयास है कि इस बार हम 90% मत अपना, तो अगली बार 100%, फिर उसके बाद 110% भाई 110% नहीं है। लेकिन यह है कि हर आदमी तो ये चाहता है भाई, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप यही कहते हैं ना कि भाई 100% आप जो है नंबर ले आओ, लाइए जो है। अच्छा हुआ, अगर अगर 325 सीटें हमारी पहले से ही हैं तो कोई भी राजनीतिक दल इस बात को तो नहीं कहेगा कि भाई अब हमारे पास 300 है। सर, अगर 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 भाजपा 543 टारगेट सेट कर देती तो एग्जिट पोल वाले उसको भी दिखा देते। देखिए, हमारा आपसे केवल यही कहना है जी सर कि कोई भी दल हो, आखिर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जो है भाई, समाजवादी पार्टी के पास 5 सीट तो थी जी, वो क्यों इस बात को कह रहे थे भाई हम 79 सीट पाएंगे या हम 40 सीट पाएंगे? तो कोई भी राजनीतिक दल है तो हमेशा इस बात को कहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीटें हम प्राप्त करें। अच्छा, एक सांसद के रूप में बताइए नेताजी, पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं भाजपा को, क्या बैसाखी सरकार चल पाएगी? कितना दिन चलेगी? भाई देखिए, ऐसा है कि आपने देखा कि पिछले 10 साल से सरकार चल रही है और बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। देखिए, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन ऐसी सरकार है जिसका बहुत ही आपस में जैसे होता है कि दो दल मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है और लगातार आपने देखा कि पिछले 10 सालों में सब लोगों ने एक दूसरे का। अभी आप बिजी हैं, मैं आपको बता दूं, बार्गेनिंग करना चालू कर दिया लोगों ने। आप ये बताइए, हाँ, जिस तरीके से इस चुनाव में देखा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ है, वो इंडिया अलायंस की तरफ गया हुआ है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, तो क्या मोदी सरकार फूलपुर के सांसद को, जो पिछड़े समाज से भी आते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह देगी? देखिए, मायने केवल मंत्रिमंडल के जगह देने न देने से नहीं है, मायने केवल ये है कि जो दुष्प्रचार किया विपक्ष के लोगों ने, खासकर उन्होंने जो दुष्प्रचार किया अनुसूचित लोगों के बीच में, बैकवर्ड लोगों के बीच में, माइनॉरिटी के लोगों के बीच में, और इस बात को कहा कि भाई मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आप देख रहे थे लगातार, हाँ, ये लोग गांव-गांव इस बात का प्रचार कर रहे थे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। हाँ। तो ये दुष्प्रचार की वजह से बहुत सारे लोग, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव बहुत बड़ा होता है, हम लोग भी हर गाँव में नहीं पहुंच पाते। अगर कोई अफवाह कहीं फैलती है तो उसको खंडन करने के लिए हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता,
उसका स्वाभाविक है कि कुछ कुछ मैं समझ रहा हूँ। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, एक टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि आरक्षण जातिगत आधार नहीं आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये सब चीजें भाजपा के बड़े नेता बोल चुके थे, उसको ठीक है। नेता जावेद बात बताइए, आपको तो एमएलए पद से 2 हफ्ते में इस्तीफा देना पड़ेगा, अगला एमएलए आप अपनी पसंद का चाहेंगे या फिर पार्टी के ऊपर छोड़ देंगे चाहे जिसको? देखिए पार्टी का ये अधिकार है और हमने पहले भी इस बात को कहा था कि हमको पहले से ये जानकारी नहीं थी कि हमको लोकसभा का टिकट मिलेगा, आखिर लोग पार्टी ने हमको अवसर दिया तो अब एमएलए के चुनाव में उपचुनाव जो होगा उसमें किस व्यक्ति को अवसर मिलता है ये पार्टी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और निश्चित रूप से हम इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं कि भाई उन्होंने हमको लोकसभा में एक अवसर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल 5 विधानसभाओं के बीच में लोगों के बीच में सेवा करने का मौका दिया है। अब जो फूलपुर का प्रतिनिधित्व करेगा आने वाले समय में ये पार्टी तय करेगी। अब तो आप सांसद हो गए हैं सर, उत्तरी और पश्चिमी से आपको लीड भी मिला था, तो भेदभाव होगा या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या आप करना चाहेंगे अब तो बताइए? देखिए भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है, हम केवल इसी बात को कहना चाहते हैं कि विकास ही हम लोगों का लक्ष्य है। इस जिले का, इस लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य हों, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम लोगों ने कुछ बातें कही हैं जनता से, उसको पूरा करने का काम करेंगे। अभी कुंभ आ रहा है, कुंभ की वजह से तमाम ऐसे विकास के कार्य होने हैं, उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हमारे संसदीय क्षेत्र में हों, तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी। चलिए सर, अभी तो शुरुआत है, अभी आप सांसद बने हैं, कल को एनडीए सरकार बनती कि इंडिया सरकार बनती कुछ कंफर्म नहीं है, इंडिया वाले भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, अगर आप विपक्ष में रहेंगे या सत्ता में रहेंगे तो फिर आपसे मैं बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा फूलपुर के नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण पटेल जी हमारे साथ थे, आपने बताया उनकी प्राथमिकता क्या है और आपने कहा कि दुष्प्रचार करने की वजह से विपक्ष ने संविधान बचाओ, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, इस तरीके का दुष्प्रचार किया जिसकी वजह से वे 3 विधानसभा में पिछड़े हैं, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, आगे जो है जनता के हर काम को करेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो, आगे भी हम आपको प्रवीण पटेल जी से मुलाकात करेंगे।